press the bell icon for all the updates. कैसे मिलते हैं पार्थ और तेनी? कैसे बचाता है पार्थ तेनी की जान? कैसे होते हैं इकबाल और पार्थ दोस्त? आखिर क्या हुआ इस हफ्ते दिल से दिल तक में? हम बताते हैं आपको। एपिसोड की शुरुआत होती है जब पार्थ को पता चलता है कि इकबाल की जिस लड़की से शादी हो रही है वो उसी की तेनी है। ये देख कर पार्थ शॉक हो जाता है और अपनी माँ को कॉल करके टूट जाता है, पर तेनी को खुश देख कर पार्थ उसकी जिंदगी में वापस आने का अपना फैसला बदल देता है। पार्थ और तेनी मिनिस्टर के घर में हमले की वजह से फंस जाते हैं। मिनिस्टर को हुए इस हमले की वजह से दोनों की जान पर खतरा होता है। इकबाल तेनी को लेकर परेशान है, आखिर कैसे बचाए उसे, क्योंकि गुंडों ने मिनिस्टर के घर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ जहां इतना खतरा है, वहां दूसरी ओर पार्थ और तेनी को मिल गया क्वालिटी टाइम। अपनी तेनी को बचाने के लिए इकबाल पहुंच जाता है मिनिस्टर के बंगले पर और अपना भेष बदल कर घुस जाता है उस बंगले में, ये कहकर कि मैं गुंडों को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके मकसद को पूरा करवा कर रहूँगा। यही नहीं, इकबाल गुंडों के लिए खाना भी लाता है। इकबाल ने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई है, पर उन दवाइयों का असर हो उससे पहले गुंडों ने तेनी को निशाना बना लिया गन से। पर तब तेनी की जान बचाने के लिए पार्थ अपनी जान को दावे पर डाल देता है और बंदूक के निशाने पर खुद आ जाता है, पर फिर पुलिस आकर इन सबको बचा लेते हैं। तेनी की जान को बचाकर खुद अपनी जान खतरे में डालने वाले पार्थ से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं इकबाल। पार्थ की इंसानियत देखकर उसे दोस्ती कर लेते हैं इकबाल और उसे अपनी शादी में आने का इनविटेशन देकर उसे अपने घर लेके जाते हैं। यहाँ पार्थ और तेनी की नजदीकियाँ बढ़ रही है। तो क्या पार्थ और तेनी की नजदीकियाँ और बढ़ जाएगी? क्या पार्थ तेनी को याद दिलाने में कामयाब होंगे या फिर पार्थ तेनी और इकबाल की शादी होने देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और अपने फेवरेट शो की कहानी देखने के लिए बने रहिए चली मसाला पर।